तो दोस्तों चलिए हम लोग चेक करते हैं विटामिन B12 जो है लेग स्क्रू का, उसका TDS कितना है और उसका आने वाला pH कितना है। तो ये मैंने लगाया है RO के ऊपर, जैसे कि आप पहले हम लोग RO का डायरेक्ट चेक कर लेंगे TDS। ये डायरेक्ट RO वाटर है, इसका TDS देख सकते हैं आप 9, ये बहुत ही कम है। इसको बंद करते हैं, इसको लगाते हैं लेक्स प्योर के B12 कार्ट्रिज में, फिर से ऑन करते हैं। मशरूम लेते हैं, इसको फिल करके इसका TDS देख लेते हैं। इसका TDS आ रहा है 82 के आसपास, और जो कि बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। लोग और एक बार चेक करेंगे, थोड़ा और फिर बढ़ जाए तो अच्छा है। 81-82 के आसपास आ रहा है। कल जब हमने चेक किया था तो ये अराउंड 400 के ऊपर था, तो हमने इसको फ्लश किया अच्छे से, तो अभी ये 80-80 के आसपास स्टेबलाइज हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि अच्छी तरह से ये जो है मिनरल्स ऐड कर रहा है पानी में, और ये अच्छी बात है। और अभी हम लोग इसका pH जो है चेक करेंगे, कितना pH दे रहा है। सॉरी, pH चेक करने के लिए ग्लास, पानी चेक करेंगे कितना pH दे रहा है। जी हम लोग देख सकते हैं ये 9.4-9.5 के आसपास pH रीडिंग दे रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। 9.5 इज अ गुड रेशियो ऑफ pH जो इसने देख सकते हैं आप, निकाल दिया मैंने तो कम हो गया, लेकिन 9.5 तक दे रहा है तो बहुत ही बढ़िया है। 9.4-9.5 तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसकी टेस्ट भी हम लोग चेक करेंगे, टेस्ट भी इसकी अच्छी आ रही दोस्तों, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है और स्वीटनेस है टेस्ट में। थोड़ा फ्लश करना जरूरी होता है स्टार्टिंग में, तो अभी हम लोग इसको जो है हम लोग pH भी चेक कर लिया, TDS भी चेक कर लिया, बहुत ही बढ़िया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों।